फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बना रहे हैं मसाला चटपटे से कॉर्न। तो मसाला कॉर्न बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम कॉर्न, जिसके मैंने दाने निकाल दिए थे। और इसके लिए हमें लगेगा ब्लैक पेपर पाउडर, एक नींबू का रस, और लगेगा रेड चिली पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून बटर और चाट मसाला, गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर और अनार के दाने। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मूंगफली को रोस्ट करके और उसके जो छिलके हैं वो निकाल दिए थे। तो चलिए बनाते हैं स्वीट कॉर्न की रेसिपी। पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और हम गैस ऑन कर लेंगे। गैस को यहाँ मीडियम फ्लेम पे रखना है। हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून बटर हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम डालेंगे स्वीट कॉर्न, इसको हम सॉटे कर लेंगे। लो फ्लेम पे हम इसे 1 से 2 मिनट तक सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद हम लीड को हटाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। डालेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। मिक्स कर लेंगे हम। लो फ्लेम पे हम इसे 1 से 2 मिनट तक छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद हम लीड को हटाएंगे। बीच में मैंने इसे थोड़ा सा चला लिया था। हमारे स्वीट कॉर्न जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे रोस्ट की हुई मूंगफली। इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। थोड़ा सा चाट मसाला। वन टेबलस्पून नींबू का रस और इसे हम मिक्स कर लेंगे। हमारे स्वीट कॉर्न जो है वो रेडी हो चुके हैं। फ्लेम को यहाँ हम ऑफ करेंगे और इसमें हम डालेंगे अनार के दाने। मिक्स करना है और अब हम डालेंगे फ्रेश कोरिएंडर। मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे जो है चटपटे से स्वीट कॉर्न रेडी है। सर्विंग बॉल में इसको निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे स्पाइसी से चटपटे से स्वीट कॉर्न रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसे लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।